सभी को नमस्कार, स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज जो पेपर वन यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं पेपर वन के टॉपिक्स को। 10 यूनिट को हमने बोला है कि लगभग, मतलब उसमें हम 6 यूनिट कवर करेंगे, तो अभी हम लोगों ने 4-5 यूनिट कवर कर लिया है। अगला जो यूनिट आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सारे डायमेंशन आपके कवर है। ये जो आप यूनिट देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे ना, खैर आप, हम लोग सिलेबस से पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सब कुछ पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी हमारा पर्पस एग्जामिनेशन निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो आज का चैप्टर लिए हैं, आज के यूनिट लिए हैं, उस यूनिट का नाम है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यूनिट में 1 घंटे में तो नहीं हो पाए, क्योंकि बड़ी यूनिट है और बहुत सारी चीजें कवर करना पड़ता है। हम कुछ भी छोड़ेंगे अगर ना, फिर भी ये 2-2.5 घंटे में जाने वाला है। इसलिए हम लोग इस यूनिट को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इससे आपको कोई समस्या, कोई एतराज तो नहीं है? अगर एतराज हो तो उसमें मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि दो वीडियो में हमको ये बनाना पड़ेगा ही। एक वीडियो में हम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, फिर मजा नहीं आता। आप 2 पार्ट में देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं इसको। आज हम लोग आधा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, हो सकेगा, और उसके बाद फिर अगला जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा तो हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, इस यूनिट का नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। कुछ लोगों को समस्याएं ये होती है कि हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, देखिए आज के उसमें अगर पेपर वन को आप सॉल्व करना है या फिर आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश मेरे साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और मैं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ले चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, मतलब लोग, विकास और पर्यावरण, ठीक है ना, ये यूनिट का आपका नाम है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये यूनिट पूरा का पूरा कहते क्या है, इस यूनिट की थीम क्या है। अगर थीम की हम इसमें बात करें तो इस यूनिट की पूरी थीम ये है कि डेवलपमेंट, किस तरह से लोगों का विकास होता है, एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हो रही है। आप इसमें पॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ेंगे बहुत सारे, इसमें आपको प्रभाव, कारण, क्या वजह है, वो चैप्टर इन सब में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें इसमें पीपल मतलब एक इंसान की बात की जाएगी, सारी चीजों को इंसान से रिलेट करके देखा जाएगा कि ह्यूमन और एनवायरमेंट का क्या रिलेशन है, हम लोग कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं उसको एनवायरमेंट के साथ कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसमें लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक दिया है, एक नॉर्मल आपको पर्यावरण का ज्ञान अगर इस यूनिट को आपको पढ़ना है तो होना ही चाहिए। पर्यावरण में नॉर्मल पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक कौन से हैं, और पिरामिड क्या है, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, ये सब बेसिक चीजें। लेकिन आप अगर नहीं भी करते हैं ना, कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सिलेबस दे रखा है, उन सिलेबस के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहला आप लोग देखे होंगे कि पहला ही अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिया है, ठीक है ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया है, और क्या दिया है कि ह्यूमन और डेवलपमेंट, मतलब मानव और विकास और पर्यावरण क्या संबंध है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आप सबसे पहले एक छोटा सा टर्म एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परि प्लस आवरण, परि का अर्थ है घेरा, आवरण मतलब चारों तरफ, ठीक है ना। तो पर्यावरण वह शब्द है जो हमारे आसपास की सारी चीजों का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, एक घेरा बना हुआ है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक। हमारा आप लोग मोटा मोटा ये समझ रहे होंगे इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन क्या है, ह्यूमन से संबंधित मतलब मानव से संबंधित बहुत सारे इंडेक्स डेवलप किए जाते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, सरकार द्वारा निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला जाता है। सबसे पहले 1990 में अगर बात किया जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला गया था, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें ये बातें करेंगे किस तरह से आखिर मानव का विकास हुआ, और मानव क्या क्या चरण इसमें अपनाता है अपने डेवलपमेंट के लिए, और मानव विकास के हम लोग इसमें ये भी देखेंगे
कि कौन कौन से आधार होते हैं। आधार मतलब कि क्या क्या होना चाहिए मानव विकास के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक पहला एक स्टेप देखते हैं कि मानव का विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस, हिंदी में अगर कहें तो मानव विकास के मेन चार आधार होते हैं, ठीक है। मेन चार आधारों पर हम सबसे पहले बात करेंगे, आपको क्या चाहिए, एक इंसान क्या चाहता है अपने विकास के लिए और उसका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा इक्विटी। इक्विटी मतलब समता। समता का ये मतलब है कि आपके साथ बराबरी हो, जो साधन संसाधन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रहे हमको भी मिल रहे, ठीक है। ये एक आधार है आपके विकास के लिए। जब इक्विटी रहेगी समाज में तभी लोग आगे बढ़ पाए। दूसरे नंबर की इसमें बात करेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है, और क्या चाहता है इंसान। यहाँ पर स्त्री रहते हैं, पुरुष रहते हैं, और बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, तो वो काम करते हैं। जैसे एक ह्यूमन काम करता है, और जब काम करेगा और काम करने के बाद वो उत्पादक उत्पादन देगा तभी तो विकास होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में और इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये दूसरा है। ह्यूमन डेवलपमेंट का आधार क्या है, ठीक है, मानव विकास के आधार हम लोग लिख रहे हैं। तीसरे नंबर की मतलब वो व्यक्ति कितने क्षमता के साथ काम करता है और उसकी उत्पादक क्षमता कितनी होते है, ये एक मानव विकास को क्या करता है, एक दर्शाता है, ठीक है। जैसे जितना इफिशियंसी के साथ काम करेगा उतना उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उतना ही उसका विकास बढ़ेगा। ये इस सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें क्षमता हो गया, विकास हो गया, फिर इंसान क्या चाहता है कि कब और हो सकता है विकास इंसान का, भागीदारी। मतलब अगर पार्टनरशिप रहेगी हर इंसान की, बच्चा है तो उसका भी पार्टनरशिप रहेगा, एक छोटे तबके का इंसान है, एक बड़े तबके का इंसान है, सबका पार्टनरशिप चलेगा तभी उसमें क्या होगा, मतलब भागीदारी होगी, ठीक है। इसका मतलब पार्टनरशिप, हिंदी में भागीदारी, एंड एम्पावरमेंट, मतलब भागीदारी और सशक्तिकरण। सशक्ति मतलब बढ़ावा देते, ठीक है, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे निम्न वर्ग के लोगों को तबके को भागीदारी की बात हो, और उनको सशक्त मतलब स्ट्रांग बनाना हो, तभी क्या होगा, ये आपका आपका क्या होगा, मानव विकास होगा। यहाँ पर मानव विकास लिख लीजिए, ठीक। फिर चौथे नंबर की अगर हम बात करें, फिर क्या इंसान चाहता है, इंसान के और किसमें वो होगा, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब उसकी सततता, सततता शब्द हम लोग देखेंगे। सततता, सततता का ये मतलब होता है कि हम लोग जो भी साधन संसाधन उपलब्ध है उनको यूज करें, और यूज करने के बाद बचा के रखें। बचा के किसके लिए, नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है, अगली पीढ़ी आने वाली है, उसके लिए हम लोग साधन संसाधन को बचा के रखेंगे, तभी क्या होगा, ह्यूमन मानव का विकास होगा। इन चार आधार पर ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, ठीक। ये आप लोगों पॉइंट को इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे, जो मेन टॉपिक दिया है जिसमें एमडीजी, जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसको वही कहते हैं, पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब एमडीजी, ठीक है ना। ये आप समझिएगा, इसके इसको हिंदी से बहुत मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एमडीजी की बात करेंगे, तो एमडीजी कैसे आया, एमडीजी है क्या, तो ये कुल मिला के 8 तरीके के विकास लक्ष्य हैं कि ये इंसान के जीवन में होना चाहिए, इस तरह डेवलपमेंट होगा तभी क्या होगा, इंसान का विकास हो पाएगा और एक इंसान गरिमापूर्ण जीवन को जी पाएगा, ठीक है। ये क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में रखे गए हैं। कब, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में जो न्यूयॉर्क की बैठक हुई थी उसमें ये 8 गोल बनाए गए थे मानव विकास के लिए, जिसमें उस समय की अगर बात की जाए तो 189 देश
इसमें शामिल हुआ करते थे, ठीक है ना। तो सन 2000 की बात करेंगे और इसमें 189 देश यूएन में शामिल हुआ करते थे और न्यूयॉर्क में इसकी बैठक हुई थी और वहीं पर एमडीजी बनाए गए। इसमें 8 तरह के गोल रखे गए और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि जो 8 गोल है वो कौन कौन से रखे गए हैं उनकी हम लोग आगे बात कर लेते हैं और उनको याद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम वो 8 गोल को याद रखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिंदी में, क्योंकि लोगों के ज्यादा डिमांड आए कि हिंदी में ज्यादा लिखिए, तो मैं हिंदी में कोशिश करूंगा लिख दूंगा। जो चीजें इंग्लिश में लिख दूंगा तो उसको हिंदी में बोलूंगा, जो चीजें इंग्लिश में लिख दूंगा उसको मैं हिंदी में बोलूंगा, और हिंदी वाली जो लिखूंगा उसको इंग्लिश में बोलूंगा। सबसे पहले भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, मतलब भुखमरी तथा गरीबी इसको क्या करना, समाप्त करना, ठीक। मतलब पावर्टी और हंगरनेस को समाप्त करना, इरेडिकेट करना, ठीक है ना। ये नंबर एक में है, टू इरेडिकेट द हंगरनेस और पावर्टी, ये नंबर एक वो है, ठीक है ना। ये आप देखते रहिए, एक काम आप ये करेंगे कि अभी आप सर्च करेंगे भुखमरी में भारत का स्थान कौन है और गरीबी में कौन सा स्थान, ये चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा आपका सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन सार्वजनिक, पब्लिक प्राइमरी एजुकेशन, ये दूसरा लक्ष्य था, ठीक है ना। सबको, मतलब सभी वर्ग आय वर्ग के लोगों को ये शिक्षा मिलना चाहिए। तीसरा अगर लक्ष्य की बात करें एमडीजी में, तो लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण, ठीक है ना। इसमें लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी तथा वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण, ये आपका तीसरा लक्ष्य था। चौथा अगर लक्ष्य करें, इसमें 8 तरह के लक्ष्य की बात हम लोगों ने किया, तो चौथा लक्ष्य अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर घटाना, ये चौथा आपका लक्ष्य है। इंग्लिश में अगर बात करें तो टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टलिटी रेट, ठीक है ना, ये आपका पांचवा लक्ष्य की अगर बात करें तो भुखमरी हो गया, सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा हो गया, लैंगिक समानता हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ, शिशु को मृत्यु दर को घटा दिया गया, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मातृत्व स्वास्थ्य, मतलब मातृत्व स्वास्थ्य। मैं ये कहता हूं कि आज तक भारत में इस विषय पे बहुत कम ध्यान दिया गया, मातृत्व स्वास्थ्य के को बढ़ावा देना, मैटरनिटी हेल्थ, मतलब महिलाओं के जो माँ बनती हैं उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इसमें बहुत कम काम होता है, चाहे भारत हो और भारत में तो विशेषकर महिलाएं बेचारी, उनको प्रेगनेंसी रहती है, उनका डिलीवरी कराना हुआ, लेकिन उनमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता, घर वाले भी उनसे काम कराते हैं, ज्यादा थोड़ा बहुत काम चलता है और उनको अच्छा पोषण, सबसे मेन अच्छा पोषण नहीं मिलता, नॉर्मल वही खाना खा रहे होते, जबकि उस समय एक महिला को, एक जो माँ बनने वाली लेडी है उसको बहुत ही ज्यादा पोषक तत्व की जरूरत है, हर तरह का बैलेंस डाइट उसको चाहिए होता है। तो मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये एक बहुत बड़ा मतलब गोल रखा गया, और इन गोल का हमारा लक्ष्य यही है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। फिर छठवां अगर गोल बात करें तो पर्यावरण सततता, इसका हिंदी में अगर इंग्लिश बोले तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण को बचा के रखना और बढ़ा के रखना आने वाले हमारे पीढ़ी तक, ये पर्यावरण के सतर्कता। सातवीं अगर गोल की बात करें तो यहाँ पर सातवां गोल है हमारा वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, ठीक है, वैश्विक विकास के में संबंध स्थापित, टू स्टेबल द रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, विकास में संबंध स्थापित करना। ये हमारे कितने गोल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
तीन चार पांच छह और सात हुए, ठीक है ना। इसमें एक और है गोल जो है आठवां, एक बीमारी है एचआईवी एड्स, ठीक है ना। एचआईवी इसका वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। एचआईवी एड्स प्लस अन्य बीमारियों का क्या यहां पर करेंगे, एचआईवी एड्स और अन्य बीमारियों को हम क्या करेंगे इसमें छुटकारा पाएंगे, ठीक है ना। तो कम्बैट फ्रॉम एचआईवी एड्स एंड अदर डिसीज, अदर डिसीज में हमारा क्या है मलेरिया, जैसे इसमें मलेरिया, ठीक है ना। ये हमारे कितने आठ तरह के यहाँ पर एमडीजी हुए, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये 2000 में रखे गए थे, 2015 तक इन लक्ष्यों को पूर्ति के लिए यूएन ने इंस्ट्रक्शन दिया था और यहाँ पर रखे गए। हालांकि अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत बहुत सारे इन एमडीजी एफ डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर काम कर चुका है और इसमें मतलब भारत में जैसे भुखमरी है, गरीबी है, इसको समाप्त कर चुका है, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट भारत में हुआ है। तो कौन कौन से हुआ, भुखमरी को भारत ने कर दिया, भुखमरी और गरीबी भारत में इतना है नहीं। प्राथमिक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा में काम हुआ है भारत में, ठीक है। ये भी लगभग आजकल आप लोग देखते होंगे, मोस्टली लोग पढ़े होते हैं, ठीक है। इसमें भी काम हो गया। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण ये अभी इतना नहीं हो पाया, कहाँ नहीं हो पाया, भारत में हो गया। शिशु मृत्यु दर ये भी हालांकि अगर कहा जाए तो ठीक है, शिशु मृत्यु दर में घटाई हुई है, क्या उनकी मृत्यु दर जो बच्चे होते हैं ना तो मतलब खत्म हो जाते हैं अपने जन्म के बाद ही तुरंत, तो उसमें घटोत्तरी हुई है कहा जाए। मातृत्व स्वास्थ्य ये बहुत बड़ा हडल है भारत के लिए, ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पता नहीं इसमें क्या है उसका रिलेशन यहाँ से भी, लैंगिक समानता से, सशक्तिकरण से। लैंगिक सशक्तिकरण अगर होगा तो फिर यहाँ पर मातृ स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी अभी भारत ने काम किया नहीं। पर्यावरण सतर्कता में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ज्यादा नहीं कहें, वैश्विक विकास में संबंध ये तो सारी चीजें अच्छी होंगी तो होगा, एचआईवी एड्स और अन्य इसमें भी काम हो रहा है। तो इस तरह भारत ने इन चीजों में किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मातृत्व स्वास्थ्य और लैंगिक समानता में थोड़ा समस्या भी भारत में है, इसको दूर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहे एमडीजी जो आपका पहला टॉपिक है इस यूनिट का, और हम लोगों ने इसको जल्दी से देख लिया, यहाँ से सवाल आने के चांसेस रहेंगे। आपको लिस्ट दे देगा कौन कौन से है एमडीजी हमारे लक्ष्य और कौन कौन से नहीं है, ठीक है ना। ये हुआ एमडीजी, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एमडीजी के बाद आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ भी क्या रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आपको जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आठ तरीके से गोल के देखा, लक्ष्य को देखा, उसी तर्ज पे क्या हुआ था, 17 हम लोगों को गोल को पढ़ना है, ठीक है ना। एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कितने हैं, ये हमारे टोटल मिला के 17 है। 17 इनको भी रखा गया था, कब रखा गया इनको, अंग्रेजी हिंदी में अगर कहें सस्टेनेबल सतत विकास लक्ष्य या फिर समपोषणीय विकास लक्ष्य आप देखेंगे इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। ये 17 तरीके के रखे गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी एक लिस्ट बना लेंगे। देखिए ये जरूरी नहीं है कि वो जो आपके किताबों में लिखा हो कि पूरे के पूरे मैं लाइन को लिखूंगा, मैं ऐसा लिख दूंगा कि एक वो शब्द जरूर आ जाएगा और आप समझ जाएंगे, वो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि किताबों में जो लिखा रहता है और हम अपने से जो लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि हमको मेन पॉइंट जरूरी होता है ना कि किताबी लैंग्वेज का, ठीक है। आप पढ़ते हैं तो आप पूरा पढ़िए, क्योंकि हमारे ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है तो वहां पर हमको छाटना होता है, ठीक है ना। ये हमने क्या बना लिया, यहाँ पर 17 लक्ष्य बना लिए, और ये कहाँ बनाए गए थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है ना, मतलब यूनाइटेड जनरल असेंबली में
बनाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है ना, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए थे कि ह्यूमन के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, ये यहाँ पर एसडीजी में आपको पड़ेगी। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है था 2030 तक, 2030 अभी नहीं आया है लेकिन 2030 तक इन लक्ष्य को पूर्ति के यहाँ पर लक्ष्य रखे गए। सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी हम लोग केवल काम है इंडेक्स बना लेना, ठीक है। पहला है नो पॉवर्टी, ये आप ध्यान रखिए, मतलब गरीबी जीरो, मतलब कुल मिलाकर गरीबी हटाओ, पहला यहाँ पर इंडेक्स है। दूसरा नो हंगर, नो हंगर का मतलब भुखमरी जीरो होना चाहिए और इसमें खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड शब्द लिखा रहेगा, लेकिन आपको याद करने के लिए नो पॉवर्टी नो हंगर। तीसरा गुड हेल्थ होगा। देखिए जो जो हमारे जीवन में चाहिए आपको एक नॉर्मल इंसान को, वो इसमें लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, या थोड़ा हिंदी में मतलब इंग्लिश में आसानी है, एक एक शब्द आप याद कर लेंगे ना तो वहां से आप जल्दी कवर पाएंगे, ठीक है ना। फिर चौथा लक्ष्य इसमें रखा गया है क्वालिटी एजुकेशन, सबको क्या मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब कि वो बच्चा स्कूल जाए और स्कूल में वो साइंस पढ़े मैथ पढ़े और उसका डेवलपमेंट, ठीक है ना। फिर एक आता है जेंडर इक्वालिटी, हिंदी में आप समझते जाएंगे, ठीक है ना। नो पॉवर्टी मतलब भुखमरी की समाप्ति, नो हंगरनेस भुखमरी समाप्ति, यहाँ पर गरीबी समाप्ति, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता वहां पर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे और क्या चाहिए इंसान को, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, उसको स्वच्छ पेयजल चाहिए, और ठीक है स्वच्छ पेयजल अगर उसको मिलेगा तो उसका विकास होगा। ये हुआ आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर उसके बाद अगला डेवलपमेंट गोल अगर कहेंगे तो पॉवर्टी हो गया, ठीक। इसमें हम लोग सातवें नंबर आठवें नौवें आठवें से सत्रहवें तक का भी हम लोग आना है। अब हम लोग के जीवन में और क्या चाहिए कि आपके डेवलपमेंट हो, तो आपके डेवलपमेंट के लिए अभी सब कुछ दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको कुछ ऐसा चाहिए कि काम भी तो मिलना चाहिए, काम के साथ आपको ऐसा ऊर्जा भी मिलना चाहिए जिसकी वजह से आप काम कर पाओ। तो इसमें एक डिसेंट एनर्जी, डिसेंट एनर्जी ये शब्द आएगा, डिसेंट एनर्जी, ठीक है ना, डिसेंट एनर्जी मिलना चाहिए। उसके बाद आपको अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी मिलना चाहिए, डिसेंट एनर्जी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, इसका मतलब अफोर्डेबल मतलब कि आप ज्यादा महंगी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सके उसको यूज कर सके खरीद सके, ठीक है, जैसे सोलर हो गया या फिर कोई बैटरी हो गया, तो हम लोग को अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी उसको मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो काम कर पाए, ठीक है ना। तो डिसेंट डिसेंट ऑफ एनर्जी ने डिसेंट वर्क, हमने काम की बात किया ना, डिसेंट वर्क उसको काम मिलना चाहिए एक, ठीक है, डिसेंट वर्क वो कर पाए और उसका क्या हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको बात करेंगे कि इंडस्ट्री और इनोवेशन आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा इंडस्ट्री नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप डेवलपमेंट आपका होगा नहीं। तो उसको क्या और मिलना चाहिए, लक्ष्य रखा गया इंडस्ट्री इनोवेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका अगला गोल रखा गया, ठीक है ना, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के उसके बाद गोल रखेंगे, ठीक है ना। फिर और क्या उसको चाहिए, किसी व्यक्ति को विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए उसमें ये चाहिए कि उसको रिड्यूस इनइक्वालिटीज मिले, मतलब कि असमानता में कमी मिले, समानता में नहीं असमानता में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज किसके बीच में, बिटवीन कंट्री, देशों के बीच में क्या होना चाहिए, वहां पर
असमानता में कमी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर सस्टेनेबल सिटी होना चाहिए एंड कम्युनिटी, ये आपका 12वां लक्ष्य आपका हुआ, सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी हुआ, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर लक्ष्य थोड़ा सा इनको याद करना पड़ेगा, हम लोग इसीलिए लिख लिख पढ़ रहे हैं, स्लाइड वाला हम लोग सिस्टम नहीं रखे हैं, हम लोग ये नहीं रखे हैं कि बस लिख दें और उसको हम लोग पढ़ते जाए, हम एक एक लिख रहे हैं, उसको मतलब कि आप भी लिखिए, उससे आपको याद होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक आता है अगला, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, मतलब उत्तरदायी। आप अगर कोई चीज कंजप्शन मतलब ले रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, तो क्या करना है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, ये नहीं कि पानी मिला तो उसको निपटाया जा रहा, नहीं, ठीक है ना। फिर अगला गोल है क्लाइमेट एक्शन, मतलब कि जलवायु में अगर कोई काम करना है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें एक्शन लेना है, ठीक है ना, किस तरह से काम करना है। 15वां लक्ष्य है लाइफ अंडर वाटर। आप लोगों को पता है कहीं कहीं ऐसा भी है कि नीचे मतलब जमीन के क्या पानी के अंदर क्या जीवन होना चाहिए, ये डेवलपमेंट गोल में रखे गए हैं। 15 यहाँ पर लक्ष्य रखे गए हैं और 16वां अगर लक्ष्य की हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, 16वां नंबर और 17वां नंबर। तो 16वां नंबर एक लाइफ अंडर वाटर हो गया, फिर लाइफ अंडर एक लैंड हुआ, लाइफ ऑन लैंड एक आपका ये गोल। फिर 17वें नंबर का एक और लास्ट आपका गोल बचता है जो पीस जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, पीस जस्टिस इन स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन बनाने में इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए उसमें शांति होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए और समितियों को एक स्ट्रांगनेस यहाँ पर मजबूती होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ आपका आपका 17 तरीके से यहाँ पर गोल यहाँ पर जो है होते हैं वहां पर आपके कंप्लीट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर एक नंबरिंग गलत है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर इसको 6 कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है ना। एक और आपका बचेगा 17वें नंबर का एक और बचेगा, इसमें सब कुछ हो गया, हम लोग उसमें भी देखे थे, एमडीजी में भी देखे थे, इसमें भी पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है ना, इसमें सभी के लिए पार्टनरशिप फॉर गोल, ये आपके यहाँ पर लक्ष्य हो गया, ठीक है ना। पहला वाला कौन सा था, नो पॉवर्टी, ठीक, ये आपके 17 तरीके से गोल हुए और इसमें आप इनका मतलब आप सब लोग समझे, नो पॉवर्टी यहाँ पर गरीबी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो हंगरनेस भुखमरी को समाप्त करेंगे, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य देंगे, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, उसके बाद फिर जेंडर की इक्वलिटी हम लोग बराबरी करेंगे, क्लीन वेस्ट स्वच्छता रखेंगे, ठीक है, फिर सबको डिसेंट वर्क मिलना चाहिए जिससे उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, अच्छे सस्ती क्लीन एनर्जी हमको मिले, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज इन कंट्री, देशों के बीच में असमानता को दूर करेंगे, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, क्लाइमेट एक्शन और यहाँ पर लाइफ अंडर वाटर, लाइफ इन लैंड और पीस जस्टिस इन स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, समितियों में या फिर संगठन में पीस जस्टिस होना चाहिए, लास्ट में पार्टनरशिप फॉर गोल, ठीक है ना, ये ध्यान आप रखिएगा, लास्ट वाला अच्छे पार्टनरशिप फॉर द गोल, कौन से गोल, यही SDG, तो ये आपके SDG हुए, इनको आप नोट डाउन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अगर लिखने में हैंडराइटिंग की दिक्कत है तो आप शब्दों पे जाएगा और आप किसी रिफरेंस बुक या फिर गूगल की सहायता से आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो MDG और SDG के बाद हम लोग एक बड़े सेक्शन पे बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में आगे काम आएगा, आप लोगों ने इसको लिख लिया ना, जो नहीं लिखे हो उधर तो मिटा दिया मैंने, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए,
हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे। जो अगला टॉपिक है हमारा कि आखिर इंसान जो है, इंसान की वजह से ही पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, इंसान ही एनवायरनमेंट के साथ खेल रहा है, ये हम सब लोग को पता है। तो एक टॉपिक आप लोग हेडिंग डालेंगे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इसके तहत हम लोग ये पढ़ेंगे, आपको टॉपिक दिया है कि एंथ्रोपोजेनिक मतलब नृजाति क्रियाकलाप मनुष्य द्वारा क्या क्या किए जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारा एनवायरनमेंट पे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंसान एक क्या है, सामाजिक प्राणी। इंसान और क्या है, इंसान को एक आर्थिक मतलब दृष्टि से सशक्त होना चाहिए, हम सब लोग को मालूम है। तो इंसान एक आर्थिक प्राणी है, इंसान एक राजनीतिक प्राणी है, इस तरह से वो एक इंसान चारों दिशाओं से घिरा हुआ है, ठीक है। तो सामाजिक कारण या फिर आर्थिक कारण जिसकी वजह से वो क्या करेगा, मतलब पर्यावरण को एक तरह से नुकसान कहा जाए या फिर पर्यावरण का दोहन करता है, ये हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। पर्यावरणी तरीके से कैसे कैसे नुकसान करता है एक इंसान, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर टॉपिक का क्या नाम था, एंथ्रोपोजेनिक मतलब नृजाति क्रियाकलाप, मतलब इंसान क्या क्या क्रियाकलाप ऐसे करता है जिसकी वजह से एक एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आप एक बात सोच के देखिए कि समस्याएं क्यों हो रही हैं, समस्याएं मैं बता रहा हूँ क्यों हो रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं हो रही, इस डेवलपमेंट भी हो रहा है लेकिन हमारे जीवन में ये समस्याएं भी हो रही है कि नहीं हो रही। एक व्यक्ति अगर इंडस्ट्री लगाता है उससे पोल्यूशन भी निकलेगा, तो वहां पर जगह भी एक्वायर करेगा, आसपास बीमारियां भी फैलेंगी और इससे नुकसान भी होगा, ठीक है। एक व्यक्ति अगर शहरीकरण कर रहा है तो वहां पर कृषि क्षेत्र में दिक्कतें हो रही होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर खेती करने के लिए जमीन नहीं बचेगी। उसके बाद फिर अगर आगे बात करें तो उसका आर्थिक कारण में ये वो यही कर रहा है, ये अर्थ के लिए कमाने के लिए सब चीजें कर रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर एनवायरमेंट में दिक्कत हो रही है, हम सब लोगों को ये मालूम है, ठीक है ना। तो अगर सामाजिक और आर्थिक तंत्र की अगर बात करें जिसके माध्यम से यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं, हम लोग एक एक लिख लेंगे, ठीक है ना। सामाजिक और आर्थिक कारण, ठीक है ना। उसमें आप लोग देखेंगे पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की वजह से हमारे जिन एनवायरमेंट में समस्याएं हो रही कि नहीं हो रही, आप सब लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि घर बनाना, जनसंख्या बढ़ रही है तो और क्या करना, रहने के लिए रोड बनाना, चलने के लिए रोड बनाना है, वहां भी पेड़ कटेंगे, वहां पर खेत भी गायब होंगे क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, घर बनाना, तो इस तरह से यहाँ पर समस्याएं एनवायरमेंट के साथ हो रही। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण मतलब यही हम इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, अमेरिका में भी घर ले रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, विदेशों में भी जो रह रहे हैं और सबसे कनेक्शन बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा देश हमारा है, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी वहाँ भी प्रॉपर्टी, हर जगह ये वैश्वीकरण हो रहा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर बिल्डिंग, यहाँ दुबई में रह रहे हैं, कहीं कहीं रहे, प्लेन से जा रहे हैं, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन है जिसकी वजह से यहाँ पर एनवायरमेंट को खतरा हो रहा है। तीसरा अगर ये आपके बात करें आर्थिक मंदी इसी वजह से हो रही है, इकोनॉमिक लॉस। चौथा अगर बात करें सामाजिक और आर्थिक कारण ह्यूमन एनवायरमेंट में नृजाति क्रियान्वयन में क्या क्या समस्याएं हो रहा है जिसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन खासकर केमिकल, ठीक है ना, इनकी वजह से यहाँ पर समस्याएं हो रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक कारण
इस वजह से हमारा ये क्या बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक निर्जातीय क्रियान्वयन मनुष्य ये सब काम कर रहा है जिसकी वजह से समस्याएं यहाँ पर हो रही। पर्यावरणीय कारण क्या क्या हो रहे हैं जिसकी वजह से मतलब समस्याएं कौन कौन सी हो रही हैं पर्यावरणीय तंत्र में, इसमें हम लोग लिख लेंगे। जैसे क्या हो रहा है इस सब कारण से, इसमें ये हो रहा है कि खेती की जमीन हमारी क्या हो रही है कम हो रही है, जैव विविधता कम हो रहा है मतलब बायो डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, नंबर एक। एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रही है। तीसरा अगर हम बात करें पर्यावरण में नुकसान की बात कर ले, ठीक है ना, इनकी वजह सामाजिक और आर्थिक कारण की वजह से पर्यावरण में हमारा ये नुकसान हो रहा है। और क्या हो रहा है जैव विविधता में कमी हो रही, संसाधन का रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और अब आपके उसमें क्या हो रहा है पोल्यूशन हो रहा है, भूमि का बदलाव हो रहा है, पर्यावरण की गुणवत्ता कमजोर हो रही है, परितंत्र और क्या अवशोषण क्षमता में कमी आ रही है, एब्जॉर्प्शन पर्यावरण क्वालिटी कमजोर, ये सब यहाँ पर प्रभाव पड़ रहे हैं किसके निर्जातीय क्रियाकलाप के। निर्जातीय क्रियाकलाप का यही मतलब है हम वाहन चढ़ते हैं, गाड़ी चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जो भी इंसान के द्वारा यूज किया जाता है वो निर्जातीय क्रियाकलाप के अंतर्गत है, सामाजिक और आर्थिक इसमें मेन है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये नुकसान हमको झेलना पड़ा। तो आप लोग इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे टॉपिक में मूव करने वाले हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि इसमें हम लोग कुछ छोड़ भी नहीं सकते, और पढ़ाना तो सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, भले ही 10 नंबर का है लेकिन टॉपिक ये लंबा है, ठीक है ना। तो हम लोग अब ये आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ये तो मुझे लग रहा है कि 2 लेक्चर में भी नहीं कंप्लीट होगा क्या, नहीं नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा अभी हम लोग ज्यादा लेट कर रहे थे, अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, ठीक है ना। सबसे अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पोल्यूशन, ठीक है ना। पोल्यूशन मतलब क्या होता है प्रदूषण, प्रदूषण का ये मतलब सीधा सा होता है कि अपने पर्यावरण में अवांछनीय तत्व का या फिर अनवांटेड चीजों का यहाँ पर विद्यमान होना, जिसकी वजह से इंसान का जीवन प्रभावित होता है, ये प्रदूषण कहलाता है। डेफिनेशन से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर हम 4 तरह के प्रदूषण को पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 वायु, दूसरा ध्वनि, तीसरा वाटर, वायु ध्वनि आपके सिलेबस में जो जो दिया है वही हम लोग पढ़ेंगे, वायु ध्वनि वाटर प्रदूषण और होता है मृदा, ठीक है ना। इसको सॉयल, इसको जल, इसको नॉइस, इसको एयर, ठीक है ना, ये 4 तरह के प्रदूषण इस पर्यावरण में मौजूद होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या कौन सा, एयर पोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब वायु में अनवांटेड चीजें अवांछनीय तत्व आ जाते हैं जिसकी वजह से हमको समस्याएं होती है, पर्यावरण का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, उसको प्रदूषण की स्थिति कहते हैं। एयर आप सब लोगों को मालूम है एयर क्या है, मिक्सचर है। एयर किसका मिक्सचर है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, सब लोगों को पता है एयर में क्या क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2, CO, हीलियम, ठीक है ना, ये सारे इसमें, O2, ये सब इसमें मौजूद होता है, आर्गन, ये क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या है एयर। एयर में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई जिसकी वजह से इनका जो कंपोजिशन है गड़बड़ हो जाता है, जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन के हम सब लोगों को मालूम कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, फॉग आप लोगों ने देखा है, धुआं, सॉरी फॉग नहीं,
हाँ कारण तो ये, नंबर एक आपने देखा होगा स्मोक, ठीक है ना, और किसकी वजह से एयर पोल्यूशन आपके जीवन में होता है, मतलब आप लोग जो देखे हैं ऑटोमोबाइल, ठीक है ऑटोमोबाइल। तीसरे नंबर की और आप गिनाते जाइए, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल। चौथे नंबर की आप बताइए किसकी वजह से होता है, एग्रीकल्चर की वजह से होता है, पेस्टिसाइड का यूज करने के लिए होती की वजह से, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल। पांचवा पेस्टिसाइड, मतलब कीटनाशक दवाइयां, इसकी वजह से हम लोग का क्या होता है एयर पोल्यूशन, क्या क्या हुआ, धुआं हो गया, ऑटोमोबाइल जो गाड़ी वाहन चलते हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक की वजह से, एग्रीकल्चर खेती किसानी की वजह से, और पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक चीजों की वजह से, ये आपके कारण हो गए। और इनका प्रभाव क्या है एयर पोल्यूशन का, प्रभाव या फिर इफेक्ट, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एयर पोल्यूशन, क्या क्या होता है अगर हमारे एयर में या फिर वायु में प्रदूषण होता है, हम सब लोगों को मालूम है। सबसे पहला क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, असर होता है। दूसरा नंबर ग्लोबल वार्मिंग, हाँ होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है इसकी वजह से, एसिड रेन, एसिड रेन की घटना होती है, ये आपको वायु प्रदूषण है। एसिड रेन एक्चुअली होता क्या है, एसिड रेन की जो ये एनवायरनमेंट होता है, तो एसिड रेन, ठीक है ना, एनवायरनमेंट जो होता है, तो इसमें ये देखिएगा कि एसिड रेन में थोड़ा सा अलग से देखना, इसमें शॉक्स नॉक्स मतलब SO2 हुआ, SO3 हुआ, इनके क्या कण मौजूद होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जब ऊपर से बारिश होती है तो H2O मतलब पानी होता है, पानी के साथ जब रिएक्शन कर लेता है तो फिर क्या बन जाते हैं, ये बना लेता है, एक बन जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक बन जाता है HNO3, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एसिड है H2SO4 और HNO3। HNO3 आप बताइए कौन से एसिड का नाम है, ये एसिड रेन कहलाता है, ठीक है ना, सल्फर के कण होते हैं, नाइट्रोजन के कण होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये H2SO4 और HNO3 बनाते हैं, जिसकी वजह से इसको एसिड रेन कहते हैं। ताजमहल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कहते हैं कि मथुरा रिफाइनरी जो बगल में है उसकी वजह से वो पीला हो गया, खैर बाद में इसको ये क्लीन शीट मिल गया कि नहीं उसकी वजह से नहीं, ठीक है ना, लेकिन जो इमारतें पीली हो जाती है ये सब एसिड रेन की वजह से, ये एसिड रेन हो रहा है प्रभाव इसका। और क्या हो रहा है, प्लांट जो है समय से पहले क्या हो रहे हैं, पत्तियां पीली हो जा रही, एक क्या बोलते हैं फसल क्रॉप्स जो है क्या होती हैं, समय से पहले वो पक जाती हैं, उसमें दाने नहीं पड़ते हैं, कि इसके प्रभाव है, ठीक है, ये मोटा मोटा। स्किन कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है किसकी वजह से, ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर समस्याएं हो रही है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग इसमें ये देखेंगे कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से हम वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में वही आता है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है, उसको हम नोट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पहले दो पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, प्रदूषक। प्रदूषक क्या है, जिनकी वजह से एयर का पोल्यूशन होता है या फिर वायु में प्रदूषण होता है, उनको प्रदूषक कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी, ठीक है ना, मतलब द्वितीय। इसमें हमको एग्जांपल याद करना है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पर्यावरण में जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होके जो या फिर जो केमिकल या फिर जो पदार्थ डायरेक्ट नुकसान करते हैं, प्रदूषण करते हैं, उनको प्राइमरी कहते हैं। जो इसमें डायरेक्ट नहीं, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा प्लस दूसरा एक कोई केमिकल होगा जिस वो मिलके जब प्रदूषण करते हैं तो उसको सेकेंडरी कहते हैं, मतलब प्राइमरी प्लस अन्य मिलके प्रदूषण करते हैं तो सेकेंडरी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट है और कौन कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक ना। इसमें पार्टिकुलेट मैटर, शॉक्स हो गया, नॉक्स हो गया, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या है आपके प्राइमरी, CO2 हो गया प्राइमरी हो गया, और कौन कौन से हो गए इसमें,
आप अगर हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, लेड की बात करेंगे, सीएफसी की बात करेंगे, लेड हुआ, सीएफसी हो गया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आना होता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में यहाँ पर एग्जांपल रन में ये देखेंगे कौन कौन से हैं। SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड की अगर बात करें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है ना, क्योंकि SO2 रहेगा और ऑक्सीजन के साथ वो करेगा तो SO3 बन जाएगी, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सल्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के यहाँ पर एग्जांपल हुआ, ठीक है ना। तो इतने हम लोग स्मॉग, स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग क्या बन जाता है, स्मॉग, ठीक है ना, ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिसकी वजह से कुछ टर्म ऐसे देखेंगे जो हम लोग वायु प्रदूषण में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कुछ, जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना लंदन स्मोक, काहे से रिलेटेड है, लंदन स्मोक प्लस लॉस एंजल, ठीक है ना, लॉस एंजल स्मोक, लॉस एंजल स्मोक, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका एयर पोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर शब्द है, ठीक है ना। शब्द मतलब कि एक शहर है वहां पर ये समस्याएं वहां पर उत्पन्न होती हैं, दिल्ली में भी इस तरह की समस्याएं होती है, एक एटमॉस्फेयर बन जाता है जिसकी वजह से ये समस्याएं होती है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन के बाद हम लोग दूसरा बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या इनके दुष्प्रभाव होते हैं और कौन से प्रदूषक होते हैं जिसकी वजह से समस्याएं होती है। तो इसमें CO होता है एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर ब्लड में रिएक्ट कर जाता है और हमारे शरीर को नुकसान करता है, लंग्स को, ठीक है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, अब सब लोग जानते हैं ऑटोमोबाइल से सबसे ज्यादा निकलता है, क्लोरीन आपके आई को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, आपके उसमें आंसू आता है जिसकी वजह से सब लोग, जिसकी वजह से क्लोरीन होती है, ठीक है ना। डस्ट हो गया मतलब धूल के कण हुआ आपका, और क्या हुआ, लेड हुआ, लेड की वजह से आपको क्या होता है, समस्याएं होती है कि इसमें कैंसर होता है, लेड कैंसर करता है। डस्ट क्या है, डस्ट की वजह से बहुत सारे डिसीज होते हैं जो श्वास संबंधित होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एस्बेस्टस, इससे एस्बेस्टासिस रोग होता है, डस्ट की वजह से यहाँ पर एलर्जी हो सकती है, ये आपका कुछ ऐसे टर्म है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से हमको समस्याएं होता है। मैग्नीज क्या करता है, आपका निमोनिया कारण बन सकता है, मैग्नीज इसमें क्या होता है, निमोनिया, ये मैं बोल रहा हूँ तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक मापने के लिए कुछ है, आप लोगों ने देखा होगा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI का फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स, भारत सरकार ने यहाँ पर ये एक पैमाना रखा है कि अगर इस नंबर से ज्यादा अगर हो गया तो किसमें रखा जाएगा। इसमें छह यहाँ पर कैटेगरी बनाई गई है जिसमें एक गुड होता है, गुड के बाद एक सेटिस्फैक्ट्री होता है, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक होता है, मॉडरेट होता है, मॉडरेट गुड, फिर एक होता है आपका डेंजरस, डेंजरस नहीं बोलते हैं मतलब खराब, पुअर, फिर अति पुअर मतलब एक्सट्रीम पुअर बोले तो, ठीक है ना, एक्सट्रीम पुअर, और एक हालत आपके गंभीर, ठीक है ना। ये इस तरह के यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से यहाँ पर क्या बनाया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है। इसमें कुछ साइन होते हैं, जैसे गुड रहेगा तो ग्रीन कलर का आएगा, सेटिस्फैक्टरी अगर रहेगा तो वहां पर हल्का क्या, हल्का येलो आएगा, फिर उसके बाद अगर मॉडरेट करके पोल्यूटेड रहेगा, मॉडरेट पोल्यूटेड तो यहाँ पर येलो कलर का रंग आएगा, और खराब में नारंगी आएगा, और गंभीर और एक्सट्रीमली पुअर में यहाँ पर ये रेड आएंगे,
ये पिंक आएगा और यहाँ पर येलो आएगा, ये हल्का शेड ग्रीन आएगा। ये आप यहाँ पर एक यूआई इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे 50 से 100 के बीच में है तो अच्छा माना जाता है, और गंभीर में आपका 400 से 500 के बीच में अगर है तो बहुत बड़ी समस्या है। ये एक यूआई निकाला गया। अब इसी संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण में, कि क्या क्या भारत सरकार में मतलब कुछ ऐसा व्यवस्था किया गया है कि बचाव के उपाय के लिए कुछ ऐसे संगठन बनाए गए, ऐसे शक्तियां बनाए गई जो कंट्रोल करें। तो उनमें हम लोग देखते हैं कि बचाव के उपाय में अगर बात करें तो बचाव या फिर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जैसे एनजीटी आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना 2010 में किया है, पर्यावरण से संबंधित ये मुद्दों को ये देखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बनाया गया है, जो ऑड इवन पॉलिसी आप लोगों ने दिल्ली में सुना है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है, ये केजरीवाल जी बनाए थे, ठीक ना। जो लोग दिल्ली में होंगे वो लोग जान रहे होंगे, बस इतना ही कुछ। और फॉरेस्टेशन मतलब कि वन लगाइए, इसके लिए बढ़ावा दिए, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल से क्या कर लिया, वायु प्रदूषण को या फिर एयर पोल्यूशन को हम लोगों ने बहुत जल्दी से समझ लिया। अब हम लोग अगले, अब एयर पोल्यूशन कंप्लीट होता है, उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूशन था जिसकी वजह से सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। उसके बाद यहाँ पर एक वाटर पोल्यूशन आएगा, और जहां पर हम लोग को थोड़ा सा लेंदी रहेगा उसमें, और इसके पहले हम लोग छोटा छोटा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने एयर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद दूसरा पोल्यूशन आपका आता है नॉइस, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है ना। अब नॉइस पोल्यूशन में ध्वनि प्रदूषण हम सब लोग को मालूम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है, कारण आप सब लोगों को पता है, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक नॉइस, ये जिस ये क्या क्या है, कुछ कुछ नॉइस पोल्यूशन के यहाँ पर एग्जांपल है, ठीक है ना। नॉइस को किसमें मापते हैं, डॉप्सन, डॉप्सन डेसिबल, ठीक है। नॉइस मापने की यूनिट क्या होती है, डेसिबल। अब मैं आप लोगों से ये कमेंट में पूछना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को कितने डेसिबल तक यहाँ पर अलाउ किया गया है WHO द्वारा, कि इतने तक ये नॉइस नहीं कहा जाएगा, इतना तक नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है ना, 20, 40, 60 इस तरह डेसिबल में दिया होता है। तो हम लोगों को पता है ट्रैफिक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बने, निर्माण की कुछ गतिविधियां हुई जिसकी वजह से औद्योगिकरण, इंडस्ट्री, यहाँ से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इनका प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है, इफिशियंसी कम होती है किसकी, काम करने की, ठीक है ना। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का दिक्कत होता है मतलब, और मेंटल, मेंटल प्रॉब्लम होती है किसकी वजह से, ये नॉइस पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ होता है, ठीक ना। और क्या होता है, आपका बीपी लो होता है, बीपी, हेल्थ, ये सब रिलेटेड है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से कोई ज्यादा यहाँ पर आने वाला सवाल नहीं है, ध्वनि प्रदूषण एक सवाल आने वाला है कि कितने डेसिबल तक आपको अलाउ किया गया है कि वो एक प्रदूषण नहीं होगा और कानों को अच्छा लगता है सुनना, ठीक है। तो आप देखिएगा कमेंट में, कमेंट जरूर करिएगा। फिर उसके बाद नॉइस पोल्यूशन के बाद हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोल्यूशन आते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब कि वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना। ये आता है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को थोड़ा सा हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या होता है कि हम लोग जो प्रदूषण करते हैं नॉर्मल, जैसे इंडस्ट्री में प्रदूषण किए, खेतों में प्रदूषण किया, अपशिष्ट अपने घरों में प्रदूषण किया, उसको क्या करते हैं, जल में मिला देते हैं, किसी भी कारण से जल में मिल जाता है तो वो जल प्रदूषण हमारा कहलाता है, ठीक है। जैसे हम सब लोगों को मालूम है हमारे शरीर में 65% बॉडी में क्या है, पानी है, और इस संसार में 70% उसमें पानी ही पानी है, भले वो पीने लायक हमारे वो 0%, 1% भी ना हो, लेकिन इसमें पानी है, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन के हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी चर्चा कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ माध्यमों से यहाँ पर वाटर पोल्यूशन है, एक नदी जा रही है वहां पर इंडस्ट्री है, उसका पानी वहां पर डायरेक्ट गया तो वो एक
कारण हुआ, जिसको कहते हैं पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। कभी अगर आए तो वाटर पॉल्यूशन में एक शब्द है पॉइंट, तो कारण ही कह लेंगे अगर कैसे होते हैं पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, ठीक है ना। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन इसमें मान लीजिए क्या हुआ, इंडस्ट्री डायरेक्ट कहां गया, रिवर में यहाँ पर समस्या कर दिया, या फिर उसके वेस्टेज को यहाँ पर डाल दिया गया, वो आपका पॉइंट सोर्स मतलब सोर्स से ही उत्पन्न होकर वहां पर पहुंच रहा है। दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स, अब नॉन पॉइंट सोर्स में क्या होगा पॉल्यूशन में, इसमें ये होगा कि जैसे अपशिष्ट हुआ, नाली हुआ, हमारे घर का बाथरूम का हुआ, हमारे घर के किचन का पानी जाके फिर उसमें मिलता है, किसमें, नदी में मिलता है। तो इसमें बाथरूम, सीवेज, ये सब जाके रिवर में अगर मिलता है तो नाइन पॉइंट, यहाँ पर डायरेक्ट वहां पर इंडस्ट्री से जाके रिवर में डाल देते हैं और इसमें अलग अलग इकट्ठा होके फिर नदियों में गिरता है। ये क्या हुए, जल प्रदूषण के मेन कारण हुआ, कारण हुए। तीसरे नंबर और कारण क्या हो सकते हैं, और कैसे कैसे जाके उसमें किया जाता है प्रदूषण, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब औद्योगिक विकास हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां से वेस्टेज निकलेगा, रिसाव होगा, तेल का रिसाव होगा, जो भी जिस कंपनी का होगा उसका वेस्टेज होगा। इंडस्ट्री डेवलपमेंट इसका मेन कारण। देखिए यहाँ पर ये समझने का ये रीजन है कि जब सवाल आएंगे ना, तो वहां एक ऐसे सवाल भी आ सकता है कि क्या क्या कारण से जल प्रदूषण हो रहा है, तो ये सारे एग्जाम उसमें रहेंगे, आपके ऑप्शन में रहेंगे, आपको ए बी सी डी सब सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर जल प्रदूषण या फिर वाटर पोल्यूशन यहाँ पर तेजी से हो रहा है। और कैसे होता है, ऑयल, ऑयल टैंकर आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र से तेल कैसे आता है, जैसे सऊदी से हुआ, दूसरे ओमान कंट्रीज से, या फिर खाड़ी कंट्रीज से तेल आता है तो समुद्र के रास्ते आता है, तो बड़े बड़े टैंकर होते, बड़े बड़े शिप के माध्यम से, वहां पर कभी कभी वो लीकेज कर जाते हैं, ऑयल टैंकर का लीकेज, जिसकी वजह से समुद्रों में क्या होता है, यहाँ पर तेल फैल जाता है। तो ये यहाँ से वाटर पॉल्यूशन हुआ, और वही वाटर पॉल्यूशन नदियों में भी जाए और वही समुद्र रहे, उसका पानी हम लोग पीते हैं, तो वो समस्याएं करने वाला है। इसका इफेक्ट क्या होता है, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या क्या होता है हमारे जीवन में, हेल्थ हो गया, सारे इफेक्ट आप देख लीजिए, जो क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण से रोग है, बहुत सारे डिसीजेज हो गए हमारे जीवन में, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हमको हेयर लॉस होने लगा है जल प्रदूषण की वजह से, उसमें किसी न किसी तत्व की अधिकता रहेगी। ये आप लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना, कि अभी लिख लीजिए, हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और एग्रीकल्चरल समस्याएं हो गई, खेती किसानी ये वाली समस्याएं, ग्रोथ, हमारा विकास रुक गया, डिसीज हम लोगों ने लिख ही लिया, और क्या क्या यहाँ से उसका इफेक्ट हो सकता है, हमारा मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट कमजोर हो गया पानी पीने की वजह से, और बहुत सारी अनेक बीमारियां होती हैं पानी के गंदगी के कारण, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि सॉरी प्रदूषक कौन कौन से आखिर होते हैं, जैसे हम लोगों ने वहां पर नोट किया था, कुछ कुछ यहाँ पर पॉल्यूटेंट होते हैं जिसकी वजह से हमको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल हर बार बनते हैं, बाकी जो और सारी चीजें वो आपके समझ के स्तर, ठीक है। कुछ कुछ आर्सेनिक, आर्सेनिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम, कैडमियम हुआ, मरकरी हुआ, ये सारी धातुएं हैं, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स है, आप पीरियाडिक टेबल में देखते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लोराइड थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप बोलने से समझिए, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, फ्लोराइड, ये सब क्या है, ये प्रदूषक है, मतलब पॉल्यूटेंट है, इनकी वजह से क्या क्या प्रभाव होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, हम उसको आसानी से नोट करेंगे, मैग्नीज, ठीक, ये चार इंपोर्टेंट है। तो आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट नाम की बीमारी होती है, ब्लैक फुट, ये ठीक ना। अकेडमियम की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, आपको जोड़ी मिलाने को भी आ सकता है, इटाई, इटाई, पारा, पारा से आता है मिनीमाटा, मिनीमाटा रोग बोलते हैं, किससे, मरकरी से, फ्लोराइड से क्या होता है, हड्डियां हमारी कमजोर होते हैं, जिसको फ्लोरोसिस कहते हैं, फ्लोरोसिस, ठीक है ना, हड्डियां देखते होंगे, जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा एरिया में ये समस्याएं हैं, वहाँ की हड्डियां कमजोर हो जाएंगे,
दांत पीले पीले हो जाएंगे, ये क्या होता है फ्लोराइड की उसमें अधिकता की वजह से होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद खांसी हो गया, खांसी होगा मतलब कोल्ड कफ, ये सब किससे, मैग्नीज की अधिकता की वजह, ये पोल्यूटेंट हुए, ये इफेक्ट हुआ। इसको आप नोट डाउन करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, ये बहुत सारा एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक लास्ट हम लोग देखेंगे जो आता है आपका सॉयल पोल्यूशन। सॉयल पोल्यूशन मतलब मृदा प्रदूषण। सॉयल, सॉयल मतलब मिट्टी होती है, मिट्टी हम सब लोगों को मालूम होता है मिट्टी से ही सारी चीजें होती हैं, चाहे उसमें वाटर पोल्यूशन हुआ तो भी वो मिट्टी में जाके होते हैं। तो कुल मिला के हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जहरीले पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का, अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना, जिसकी वजह से हमको समस्याएं होती है, उसको हम लोग सॉयल पोल्यूशन कहते हैं, मतलब टॉक्सिस। कुल मिला के टॉक्सिस और केमिकल, ठीक है, हमारे सॉयल में मिल जाते हैं, उसको हम लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं, जिसकी वजह से इनका कारण बहुत सारा होता है, जिसका कारण रीजन या फिर काज। काज इसमें क्या होता है, पहला कारण खेती किसानी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल मतलब कृषि संबंधित। इससे क्या होता है कि इसमें हम लोग केमिकल मिलाते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है, वहां पर हम लोग को समस्याएं होती हैं। दूसरा इंडस्ट्री कॉमन है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री, पेपर मिल, ठीक है ना, वगैरह, और पेपर इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक थैली मतलब प्लास्टिक बैग। फिर उसके बाद पांचवा, इसमें बहुत और कारण, ये मेन कारण हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इससे क्या होता है, हमारे मृदा में प्रभाव होता है, इसके इसका काज क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन में या फिर मिट्टी में, तो इसका प्रभाव होता है, सबसे बड़ा प्रभाव हम लोग देखेंगे इसमें कि कृषि योग्य जो भूमि होती है वो क्या हो रही है, उसकी उपार्जन क्षमता कमजोर होती है, बंजर होती जा रही है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला प्रभाव इसमें ही देख लेते हैं, प्रभाव ये क्या होते जा रहे, बंजर। यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे, प्रभाव में पहला प्रभाव है कि बंजर होना, कृषि योग्य भूमि का बंजर होना, नंबर एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव की अगर बात करें तो इसमें स्वास्थ्य मतलब हेल्थ पे असर हमारे पड़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही, क्योंकि हम उसी खाने को खाएंगे ना, वही अनाज को खाएंगे, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। भूस्खलन की समस्याएं हो रही है, लैंड स्लाइड की समस्याएं हो रही है, किसकी वजह से, मिट्टी खराब हो जा रही है, मिट्टी खराब हो जा रही है, कमजोर हो रहा है, उनकी पकड़ कमजोर है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइड हो जा रहा है, ठीक है ना, लैंड स्लाइड हो रहे हैं। और क्या क्या इसका प्रभाव हो रहा है, आप सब लोग अपने जल प्रदूषण का और वायु प्रदूषण मिलके मिट्टी में प्रदूषण करते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या करेगा, सॉयल पोल्यूशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से सारी समस्याएं फिर हम लोग देखने पड़ता है, ठीक ना। तो ये सब प्रभाव है, बहुत सारे कारण, बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, ठीक ना। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे बहुत जल्दी से, इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं कि वेस्टेज, ठीक है ना, जिसमें आप लोग देखेंगे सॉलिड, लिक्विड वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तीन तरह के, ठीक है ना। तो इसमें वेस्ट, वेस्ट मतलब अपशिष्ट। अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट ये हमारा प्रकार लिखिएगा, ठीक है ना, प्रकार थोड़ा मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, दूसरा आपका म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है ना, एक दो। तीसरे नंबर का और कौन सा वेस्ट होता है, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल वेस्ट, ठीक है ना। चौथा नंबर आप इसमें अगर बात करें और कौन से वेस्ट हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। पांचवें नंबर का नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, म्युनिसिपल वेस्ट हुआ, बायोकेमिकल हुआ, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल और एग्रीकल्चरल, सॉरी एग्रीकल्चरल भी हाँ वेस्ट होता ही है। ये आपके क्या हुए, बहुत सारे वेस्टेज हुए, यहाँ यहाँ से वेस्ट होते थे, ठीक है ना।
तो हम लोग इसको एक एक करके अभी देख लेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन से वेस्टेज होते हैं, उनका मैनेजमेंट हम लोग इसका कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आएंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आएंगे, ये सब सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आगे, ठीक ना। तो ये वेस्ट हुआ अपशिष्ट, और अपशिष्ट को मैनेजमेंट करने के लिए ये हुआ एक टॉपिक, इसको आप नोट डाउन करेंगे। दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए सरकार ने हमारे क्या प्रयास किए हैं, क्या प्रयास किए गए हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। उसमें हमारा ये आता है कि 1990 में एनडब्ल्यूएमसी मतलब राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद, मतलब नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट परिषद कब बनाया गया था, इसका एनडब्ल्यूएमसी नेशनल लिखिएगा आप, नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल 1990, ये एक प्रयास किया गया था वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सबसे पहली बार प्रयास किया गया था। फिर उसके बाद एक और प्रयास किया गया है CPHEEO, ठीक है ना, ये एक प्रयास किया गया था, सन का तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन CPHEEO आप इसका मुझे लगता है कि आप फुल फॉर्म खोजने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल, ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कंट्रोल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये आप ये प्रयास किए गए वेस्ट मैनेजमेंट को करने के लिए किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, अब वेस्ट ये इतने तरीके के वेस्ट हो गए, बहुत लंबा लेक्चर हुआ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि दो लेक्चर में आराम से जाएगा, चाहते तो तीन लेक्चर में, ठीक है ना। अब इसमें सॉलिड वेस्ट आएगा और लिक्विड वेस्ट आएगा, और इसको हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट, तीनों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लिक्विड वेस्ट और जो जो फिर वेस्ट, एक आपका आएगा ई वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है ना। अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट ये है जो भी हमारे घरों से कचरा निकलता है, जो भी हमारे घर से गार्बेज निकलता है, जो भी हमारे घर से कूड़ा कचरा सब कुछ निकला है, सॉलिड के रूप में मतलब ठोस रहता है, उसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अगर भारत की बात किया जाए तो लगभग 960 टन कचरा एक साल में भारत द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, इसमें 960 टन, ठीक है ना, ये भारत द्वारा ये कचरा निकाला जाता है, ठीक ना। क्या क्या होता है इसमें, गार्बेज हो गया, कूड़ा हो गया, नंबर एक इसमें आप लिख लेंगे गार्बेज हो गया, सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड गार्बेज हुआ, ये सब ये मेन तो गार्बेज ही होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सॉलिड वेस्ट में कैटेगराइज इसको किया जाता है, ठीक ना। नंबर एक हम लोग सॉलिड वेस्ट, तो गार्बेज हो गया इसमें, फिर उसमें मलबा हो गया आपका, रद्दी पेपर हो गया, और राख, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये लिखिए सॉलिड वेस्ट में एस राख, राख आप इसमें आएंगे सॉलिड वेस्ट में आएगा, बस इतना ही, सॉलिड वेस्ट इतने से इम्पोर्टेंट है, ज्यादा आपको इसमें करना नहीं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें तीन चार चीजें की जाती है। सबसे पहले कंपोस्टिंग, हम सब लोगों ने देखा है हमारे घर से जो कचरा निकलता है उसको क्या करते हैं, कंपोस्टिंग की जाती है, मतलब खाद का निर्माण किया जाता है, खासकर केचुआ मिलाकर जब खाद को एक गड्ढे में भर दिया जाता है उसको फिर खाद बना देते हैं, उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो कंपोस्टिंग पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला काम है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं बायोगैस, बायोगैस या फिर गोबर गैस, गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। बायोगैस को क्या करते हैं, गोबर का वो जो एक हम लोग क्या बना लेते हैं, घोल बना लेते हैं और उसको डालते जाते हैं, एक ऐसा टैंक होता है, उसके बाद फिर मीथेन गैस निकाल के हम लोग उसको यूज करते हैं अपने किचन में, ठीक ना। बायोगैस का ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये एक दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है हम लोग क्या करते हैं इसमें, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ये प्रोसेस है कि सॉलिड अगर है तो सॉलिड को क्या कर लेंगे, लिक्विड बना देंगे, लिक्विड को गैस बना देंगे,
मतलब तोड़ते जाएंगे उसको, डिकम्पोजिशन करते जाएंगे, ये पायरोलिसिस कहलाता है, ठीक है ना। और कौन कौन से हम लोग तरीके अपनाते हैं, रिसाइकल, रिसाइकल, ये रिसाइकल का मतलब पुनः चक्र, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिक्विड बेस चालू करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपने देखा हुआ होगा 4R, 4R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस नंबर 1, रिसाइकल नंबर 2, रिकवर नंबर 3 और रियूज नंबर 4। रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर और रीयूज, एक प्लस में जुड़ा है पांचवा। अगर 5R की बात करें, इसको 5R कहेंगे, 5R में जुड़ गया है रिकंस्ट्रक्शन नहीं, मैन्युफैक्चर, रिमैन्युफैक्चर, ठीक है ना। 4R की अगर बात करें तो ये 4 है, पांचवें अगर R की बात करें तो रिमैन्युफैक्चर एड कर दिया गया। तो ये रिसाइकल, ये वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, तरीके हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, सॉलिड वेस्ट के बाद आते हैं लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट में ऐसे ऐसे पदार्थ आते हैं जो हमारे घरों से या फिर इंडस्ट्री से या फिर कहीं से भी लिक्विड के रूप में वेस्ट निकलता है, जैसे आपका ग्रीस हो गया, तेल हो गया और कीचड़ हो गया, ये सारे लिक्विड वेस्ट कहलाते हैं। जनरली हमारे घर इसमें ग्रीस, ऑयल, वेस्ट, मड, ये सब क्या कहलाते हैं, लिक्विड वेस्ट कहलाते हैं। हमारे घर से डोमेस्टिक अगर हम बात करें वेस्ट लिक्विड क्या क्या होते हैं, तो डोमेस्टिक वेस्ट में हमारे दो तरीके से होते हैं, एक तो किचन, एक तो बाथरूम, ठीक है ना। किचन और बाथरूम से हमारे वेस्टेज निकलते हैं, ठीक है ना। इसमें दो वाटर की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, दो तरह के, एक काला जल होता है, एक भूरा जल। भूरा जल में नॉर्मल जो चीजें वेस्टेज जाती है, सिंपल से मतलब अगर कोई पानी बह के गया, फिर कोई तेल बह के गया, तो उसको क्या कहते हैं, भूरा जल। और काला जल में आपका मान लीजिए लेटरिंग का गटर वहां से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये सब काला जल में आता है। शौचालय डायरेक्ट है, स्लज उसमें जा रहा है, तो काला जल में आता है, ठीक है ना। तो मतलब ब्लैक वाटर एंड ब्राउन वाटर, ठीक है ना, ब्राउन वाटर नॉर्मल, भूरा जल में आपको क्या हुआ, ब्लैक वाटर में खतरनाक चीजें जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किचन वेस्ट जाता है और बाथरूम का वेस्ट, और इसको इसको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं मोस्टली हम लोग देखते हैं। एक होता है सॉक पिट, सॉक पिट, और सॉक पिट में क्या होता है, एक गड्ढा बना दिया जाता है, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, उसमें इसमें बहुत सारे पत्थर कंकड़ डाल दिए जाते हैं और नल और का इसमें पानी आता है और वो क्या करता है, उसको सोख लेता है, जिससे ऊपर क्या होता है, ऊपर ये जो भी उसमें कचरा होता है वो ऊपर जम जाता है और नीचे वो पानी सोखता जाता है, इसको सोखता गड्ढा भी बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा एक होता है लीच, LEACH, लीच पिट। इसमें क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि ये ऐसे बनाया जाता है, मतलब एक सर्कुलर गड्ढा बनाया जाता है और इसमें एक ढक दिया जाता है, क्या सीमेंट का वो बना दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, अंदर ईंटों ईट की ब्रिक्स की जुड़ाई की जाती है इस तरह से कि वहां पर लीचिंग हुए, जो भी यहाँ पर इसमें यहाँ से जोड़ दिया जाता है पाइप से, ठीक है ना। पाइप से गया यहाँ पर, इसमें लीचिंग होगा और लीचिंग होने के बाद यहाँ पर पानी अपने आप जमीन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो सॉक पिट होता है और एक लीच पिट, लीच पिट हमेशा बंद होता है, सॉक पिट ऐसे खुला होता है नॉर्मल। ये क्या होता है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, डिच, डिचेस मतलब नाली बनाई जाती है लिक्विड को कैसे निकालना है, ये नहीं कि कहीं से भी चलता जाए, ये इस तरह से ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के यहाँ पर तरीके हुए, ठीक ना। फिर सॉलिड वेस्ट हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया, एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है ना। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या आएगा आपका, बायोमेडिकल वेस्ट का हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी उसमें वहां पर वेस्टेज हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक ना। इसमें बहुत सारे, इसमें WHO ने क्या किया है, कुछ कैटेगरी किया है, जैसे संक्रामक मतलब कंटाजियस। अब इसमें ये होगा ऐसे वेस्टेज यहाँ पर जो संक्रामक रोग को फैला सकते हैं, जैसे सर्जरी, ये
सर्जरी का वहां पर नीडल फेंक दिए, वहां पर कुछ बोतल फेंक दिए, तो वहां पर सर्जरी नीडल या फिर कुछ ऐसे आइटम जिसकी वजह से संक्रामक रोग फैल सकते हैं, ये एक तरह का बायो मेडिकल यहाँ पर वेस्ट होता है, ठीक ना। दूसरा पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल वेस्ट में क्या कहलाता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट में हमारा जैसे आपका ब्लड हुआ, शरीर का अंग हुआ, टिश्यू हुआ, बॉडी पार्ट हुआ, ये सब अगर वेस्ट जैसे काट के फेंक दिए तो पड़ा हुआ है, तो ये हमारा पैथोलॉजिकल वेस्ट के रूप में जाना जाएगा। और इसमें फार्मास्यूटिकल दूसरा, तीसरा अगर बात करें फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल वेस्टेज में कौन कौन से उदाहरण आएंगे, तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट में मान लीजिए कोई दवाई फेंक दिए, मेडिसिन, ये सब फार्मास्यूटिकल। चौथे नंबर की अगर बायोमेडिकल वेस्ट की अगर बात करें तो जीनोटिक्स, जीनोटॉक्सिस, जीनोटॉक्सिस में ऐसी दवाई या कुछ भी फेंकना जिसकी वजह से वो जहरीली फैला, जहर फैलाता है, जिसको तो जीनोटॉक्सिस कहलाता है। पांचवा नंबर की अगर हम बात करें तो बायोमेडिकल में क्या होता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव अगर वेस्ट फेंका गया, जैसे एक्सरे हो गया आपका, अल्फा बीटा गामा रे, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी फैलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमेडिकल यहाँ पर वेस्ट कहते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, सॉलिड लिक्विड बायोमेडिकल, लास्ट आपका देखते हैं ई वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किसको कहते हैं, तो हम सब लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या होता है, हम लोग खुद ही करते हैं सब लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे ई वेस्ट, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये लास्ट आपका आज का टॉपिक चल रहा है। एक पार्ट में और वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें संभव नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है एक घंटे से ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, ये क्या करते हैं, एक बार खरीदते हैं लेकिन जब खराब होता है तो आपने कभी सोचा है कि इसको कहाँ फेंका जाता है, तो इनका जो वेस्टेज होता है जाता है कहीं ना कहीं कचरे के ढेर में जाता होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हुआ। इसलिए हम लोग को होना ये चाहिए कि उसका मेंटेनेंस कराओ, फिर से यूज करें, ये नहीं कि मोबाइल खराब एक बार हुए, साउंड नहीं आ रहा है तो उसको फेंक दिया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बड़ी समस्या होने वाली है यहाँ पर, ठीक ना। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हुआ, अब इसमें उदाहरण के क्या बोलते हैं, सवाल यही आएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है ना, इतना ही है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये हुआ। फिर लास्ट में एक और वेस्ट आता है, हैजार्डस वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट मतलब कि हैजार्डस मतलब खतरनाक, हैजार्डस, तो जितने भी आपको सॉलिड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर जल प्रदूषण, जितने भी हर तरह के जो प्रदूषण होते हैं वो सब वेस्ट होते हैं। तो हैजार्डस प्रदूषण जितने भी खतरनाक चीजें जो हमको नुकसानदायक होती हैं वो वेस्ट, जैसे आपको सॉलिड हुआ, चाहे लिक्विड हुआ, चाहे आपका बायोकेमिकल, चाहे मेडिकल वेस्ट हुआ, वो सब हैजार्डस में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर ई वेस्ट हैजार्डस है, सॉलिड वेस्ट कुछ भी आप समझिए जो हैजार्डस है, ठीक है ना। फिर होम, होम का मतलब हाउस वेस्ट, ये सब हैजार्डस चीजें हैं, ठीक है ना। और क्या हुआ इसमें हैजार्डस, डिमोलिशन, डिमोलिशन मतलब आप बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिरा रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, वो एक हैजार्डस वेस्ट कहलाएगा, क्योंकि वो गिरेगा वहां बहुत सारी चीजें प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये सारे हैजार्डस वेस्ट में आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में जो टॉपिक यहाँ से बचा हुआ है लगभग वो एक घंटे में कम्प्लीट हो जाएगा, और कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर एयर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि वहाँ सवाल बनते हैं। तो अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, इसका मतलब पीपल, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, इसका अगला पार्ट हम लोग ले आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे उसमें बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, ठीक है ना। और हम लोग क्या देखें, मतलब लोगों का किस तरह संबंध रहता है पर्यावरण से, ये टॉपिक उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है ना। और जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं उनको जल्दी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दूसरे वीडियो का आप लोग तब तक इंतजार करिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों तक फैलाएं, और अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करें, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता इस तरह का कंटेंट और इतना जल्दी और इतने कम टाइम में कोई दे
रहा है, इसलिए आप सबको इससे लाभान्वित करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।